तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और स्वागत है भाई आप सभी लोगों का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो और सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो जो आज के दिन के आप लोगों की थी। ठीक है, मतलब जो आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए टेलीग्राम चैनल पर, मैं उन भाइयों की बात कर रहा हूँ। तो भाई जिन्हें भी वेट थी ना, वीडियो अब आपके सामने आ चुकी है। तो वीडियो को प्यार दिखाइए, वीडियो को देखो, लाइक करके देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लाइक करके देखोगे ना तो भाई मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और साथ ही साथ भाई अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिलते रहे। और भाई वुमेन्स वर्ल्ड कप आज से स्टार्ट हो रहा है और आज से आपका भाई भी आपको जैकपॉट विनिंग करवानी स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो भी भाई मतलब पहली बार वीडियो को देख रहे हो ना, वो ज्यादा मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक बार यहां पर लेके चलता हूं। और यहां पर देखो जो ये कॉन्टेस्ट है, मैं अपनी बता रहा हूं, ठीक है, मेरे हर मैच में कॉन्टेस्ट रहेंगे 3496 वाले 3 कॉन्टेस्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई आप मान सकते हो मैं 10,000 मतलब 10,500 आप मान सकते हो। ठीक है, 10,500 की इन्वेस्टमेंट मेरी हर मैच में रहेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट हमें सेम रखनी है। ठीक है, और आपके पास देखो मैं ये बोल रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकता हूं लेकिन मैं बढ़ाऊंगा नहीं, मैं इतनी ही इन्वेस्टमेंट के साथ हर मैच में उतरूंगा। ठीक है, सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ। आप अगर चाहो, आपका बजट मान लो अगर 1,000 रुपए का है, ठीक है, अगर आपका बजट 1,000 रुपए का है तो आपको क्या करना है, मैं आपको सारी चीजें जल्दी से जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका बजट 1,000 रुपए का है ना, तो भाई ये 33-33 वाले आपको 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको अपने बजट का 10% इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जब आपका बजट 2,000 हो जाए ना, 2,000 हो जाए या 2,100 रुपए हो जाए, मतलब आपके वॉलेट में आपको और पैसे नहीं डालने। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से कर्ज लिया और इसमें डाल दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं करना, 1,000 से ही 2,000 बनाओ। ठीक है, और आपके पास और पैसे हो जाए ना, तो फिर भाई आपके लिए कॉन्टेस्ट हो जाएंगे 2,100 रुपए होने के बाद आपके जो 10% यानी कि 210 रुपए आप यहां पर भाई कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो 200 वाला। ठीक है, उसके बाद और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे भाई आप कर सकते हो। ठीक है, हर मैच में आपको सिर्फ 10% लेके चलना है और सेम लेके चलना है, चाहे आप 5 मैच हार गए हो तो भी भाई आपको नेक्स्ट मैच में सेम ही लेके चलना है। हाँ, इतनी गारंटी है, 10 मैच में से देखो अगर हम 4 मैच जीत जाएंगे ना तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर 4 के बाद हम 5, 6, 7 जितने भी जीतेंगे, जबकि मतलब आपको बता आपके भाई का रिजल्ट 70% से ज्यादा हमेशा रहता है। ठीक है, 70% से ज्यादा आपको मैचेस अल्ट्रा क्लीनशिप में देता हूं, तो 7 मैच हम अगर जीतेंगे ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट हम यहां से बना के जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी के ऊपर आप थोड़ा ध्यान देना। मैं ज्यादा मतलब स्पेशल वीडियो बना सकता था पर मैं बना नहीं रहा, क्योंकि यार देखो ना तो अभी मेरे पास टाइम है, और आईपीएल के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी यहां पर। आप अभी ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है भाई, मेरे हिसाब से 3 मेंबर वाली स्ट्रेटेजी है ना, सबसे बेस्ट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल सेम रखना है, न्यूट्रल अपना सब कुछ रखना है। ऐसा नहीं है इस मैच में 100 कर दिए, ये हार गए अगले में 200 कर दे, भाई नहीं करना। आप 5 मैच हार गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ट्रस्ट कर रहे हो ना, फिर क्या दिक्कत है, अभी तक आपके ट्रस्ट पे खरा उतरा हो ना, फिर क्या दिक्कत है भाई। तो इसीलिए बोल रहा हूं, चलिए अब बात करते हैं मैच के बारे में। सबसे पहले पिच की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर भाई पिच की बात करेंगे, तो पहला मैच है भाई न्यूजीलैंड वर्सेस खेला जाएगा किसके बीच में भाई, यहां पर वेस्ट इंडीज के बीच में। ठीक है, यानी कि गोरे वर्सेस काले। ठीक है, सॉरी बुरा लगा हो तो यार, क्योंकि मैं बोल देता हूँ, मैं मजाक करता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों टीम्स की स्क्वाड आपके सामने है। ठीक है, दोनों टीम्स की स्क्वाड आपके सामने है। अब आपको यहाँ से कुछ चीज़ें पर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो वेन्यू है ना वो आप देख सकते हो, वेन्यू रहने वाला बे ओवल माउंट मोंगोई में ये मैच होगा। और अगर पिच की बात करें ना, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो पिच है ना जो, ये आप बिल्कुल न्यूट्रल मान सकते हो, न्यूट्रल या फिर आप स्लाइटली एडवांटेज दे सकते हो बैट्समैन्स को। और यहाँ पर अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर 80% फेवरेट है मैच में, 80% 20% मैं सिर्फ तीन जो इनके प्लेयर है उनके पीछे मैं 20% दे रहा हूँ, अदरवाइज अगर उन 3 में से कल को पता लगे कोई एक भी नहीं खेलेगा ना तो सिर्फ 10% दूंगा मैं इनको। ठीक है, हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है यार, क्रिकेट एक अनएक्सपेक्टेड गेम है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी भाई प्रिडिक्शन लेवल भी कुछ होना चाहिए ना, तो 80% भाई यहाँ पर आप चांस दे सकते हो न्यूजीलैंड को। तो अब आप समझ गए होगे हमें 7-4 का रेशियो किस टीम के फेवर में बनाना है। ठीक है, 7-4 का रेशियो हमारा बनेगा न्यूजीलैंड के फेवर में। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं, जो भी अभी मैं टीम दूंगा ना आपको, जो भी मैं टीम की बात करूंगा, ये सिर्फ एक डेमो टीम होगी, फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी की अभी जाइए, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, वीडियो जो कंप्लीट देख लेगा ना, गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं 100% प्रॉफिट में ही जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको कर लेना है। तो चलिए अब बात करते हैं भाई यहां पर आगे पिच के बारे में। ठीक है,
तो यहाँ पर भाई बैट्समैन प्लस ऑलराउंडर, ये दो चीजों के ऊपर हम मेन फोकस करके चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपके पास 11 चैलेंजर्स एप्लीकेशन नहीं है ना, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो वीडियो आप देख रहे हो ना इसी के डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर ये पांच एप्लीकेशन के लिंक मिलेंगे, इन पांचों एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। 11 चैलेंजर्स उनमें से एक पहली एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी भाई, यहाँ पर फायदा क्या है, फायदा भी तो पता होना चाहिए ना फायदा। तो उससे पहले फायदे से पहले एक चीज हो रही है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दे रखा है, कभी आप भूल जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ठीक है। अब फायदा क्या है, फायदा है भाई यहाँ पर आप एक से सिर्फ एक बैट्स विकेट कीपर तो भाई एक ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसे भाई सिर्फ आप एक से छः, मतलब सिर्फ आप एक बैट्समैन लेके भी अपना काम चला सकते हो, यानी कि आप एक बैट्समैन लेके जाओ, बाकी आप किसी को पिक मत करो, ठीक है। या फिर आप एक बॉलर लेके जाओ, बाकी आप ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन और ऑलराउंडर कवर कर लो, तो ये काम आप कर सकते हो यहाँ से। तो इस चीज में अगर आपको ये काम करना है ना, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन टीम मैं दूंगा। और अगर देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई भी आपको क्रेडिट इशू नहीं आएगा, कोई भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, तो टीम आपका भाई बनाएगा आपके लिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक प्लेयर के बारे बात करेंगे, उससे पहले भाई यहां पर एक बार दोनों टीम्स की थोड़ी सी यहां पर भाई स्क्वाड देखना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो स्क्वाड देखना जरूरी नहीं है भाई यहां पर, मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्लेइंग 11 रह सकती है। सबसे पहले वेस्ट इंडीज के 11 प्लेयर जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं ना, ये रहेंगे, ठीक है। डेंड्रा डोटिन, कैसिया नाइट, स्टेफनी टेलर, ठीक है, हेली मैथ्यूज, इसके अलावा भाई एस कैम्पेले, और यहाँ से भाई सी हेनरी आपको दिखेंगी, आलिया एलेने आपको दिखेंगी, अनीसा मोहम्मद आपको दिखेंगी, ए फ्लेचर आपको शायद दिखे ना दिखे। इसके अलावा भाई यहाँ से कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए, ठीक है। यहाँ से भाई ए फ्लेचर भी आपको दिखेंगी, शमीला कर्नल आपको दिखेंगी, इसके अलावा सी नेशन शायद आपको ना दिखे, एस सेलमैन आपको दिखेंगी, और यहाँ से हो गए भाई 11। एक बार मैं दोबारा काउंट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 11 प्लेयर हमारे हो चुके हैं। तो 11 प्लेयर आप, ये जो 11 प्लेयर है ना, ये जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, यही 11 प्लेयर होने वाले हैं जो भाई इस मतलब इस यही 11 प्लेयर होने वाले हैं जो इस मैच में खेलने वाले। एक छोटा सा चेंज यहाँ पर हो सकता है, रशादा विलियम्स खेल सकती है, अगर खेलेंगी ना तो यहाँ पर भाई वो किसकी जगह पर खेलेंगी, वो भाई खेलेंगी ऐसे आलिया की जगह पर, ठीक है, इनकी जगह पर खेलती नजर आ सकती है मेरे हिसाब से, बाकी देखते क्या होता क्या नहीं। अब बात कर लेते भाई यहाँ पर जो टीम है न्यूजीलैंड की, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, सोफी डिवाइन खेलती दिखेंगी, सूजी बैट्स, एमेला कर, एमी सदरवेट 4 हो गए, मैडी ग्रीन 5वें नंबर पर आएंगे, इसके अलावा ब्रुकी एलिडे शायद आपको ना खेलते दिखाई दे, मैंने गलत मार्क कर दिया, कैटी मार्टिन आपको दिखेंगी, लिया तो वो दिखेंगी, हेली जेंसन आपको दिखेंगी, इसके अलावा जैस कैर आपको दिखेंगे, रोजमेरी मायर मेयर शायद आपको ना दिखे, हाना रोवे आपको दिखेंगे, और यहाँ से फ्रेंच मकाए आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा तो मार्क नहीं कर दिया भाई मैंने, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं भाई, यही 11 प्लेयर आपको खेलते दिखेंगे, ठीक है। अब चलिए भाई, मैं आपको टीम भी बना के दिखा दूंगा और एक एक प्लेयर के बारे में बात करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास दो ऑप्शन है, कैटी मार्टिन और यहाँ से भाई कैसिया नाइट। मैं कैसिया नाइट के साथ जाऊंगा, ज्यादा चांसेज ओपनिंग करेगी, साथ ही साथ भाई देखो कैटी मार्टिन है ना, इनके बैटिंग आने के चांसेज काफी कम रहेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम काफी स्ट्रांग है और उनके जो टॉप फोर है ना, वो भाई किसी की बैटिंग आने का चांस देंगे ही नहीं, और इसीलिए भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ पर कैसिया नाइट के साथ। अगर देखो पहली बात तो ये ओपनिंग करेगी, अगर ओपनिंग नहीं भी करेगी ना, तो भाई इनकी बैटिंग जरूर आएगी, ये मेरी गारंटी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो इनको आउट कर देगी, मतलब इनके टॉप ऑर्डर को, और इनकी बैटिंग आ जाएगी, तो इनसे यहां से भाई ज्यादा चांसेस है कैसिया नाइट के परफॉर्मेंस देने के, इसीलिए भाई मैं अभी इसको पिक करके जा रहा हूं, ठीक है। यहां से अगर बात करें सूजी बैट, सेमी सदरवेट, डेंड्रा डोटिन, तीनों आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, कोई मतलब तू ता कुछ नहीं, सब कुछ आपको फोकस करना है तीनों के ऊपर, ठीक है, तीनों में से किसी को भी हम ड्रॉप करके नहीं चल सकते। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में से हम 4 प्लेयर लेके चलेंगे, ठीक है, 4 प्लेयर कौन कौन से होंगे वो एक बार मार्क कर देता हूं, और पांचवा प्लेयर मैं आपको, जो मेरा ट्रंप प्लेयर रहेगा ना, वो मैं आपको बता देता हूं, वो सिर्फ आप 11 चैलेंजर्स पर ही ले सकते हो, बट ठीक है, जैसे एमएला कैरम हमारी टीम में रखेंगे, एली मैथ्यू, स्टेफनी टेलर और सोफी डिवाइन, ठीक है, ये 4 जो ऑलराउंडर है ना 101% हमारी टीम में रहने वाले हैं, ठीक है। एमएला कैर भाई बैटिंग बॉलिंग भी कर सकते हैं, बट बैटिंग में बॉलिंग करेगी 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 भाई 100% करेगी, ठीक है, तो बॉलिंग के कंप्लीट 10 ओवर करेगी। इसके अलावा यहाँ पर एली मैथ्यूज आपको 10 ओवर कंप्लीट करती दिखेगी, स्टेफनी टेलर आपको 6 से 7 ओवर करती दिख जाएंगी, सोफी डिवाइन आपको 7 से 8 ओवर करती दिख जाएंगी, ओपनिंग करेंगी, तो ये सारी आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें सूजी बेट्स बेहतरीन प्लेयर, एमी सदरवेट आपके लिए इंपॉर्टेंट, डेंड्रा डोटिन जानते ही हो भाई, लास्ट के मैंने अभी बताया लास्ट के 6 मंथ में 3 बार इसने 150 से प्लस का स्कोर किया वनडे मैच, तो भाई आप जान सकते हो
क्या ही है ये, ठीक है भाई। अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन में, अनिसा मोहम्मद को आपको कब पिक करना है, जब भाई फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करवाएगी, अदरवाइज भाई आप इसको ड्रॉप करके चलोगे। एली जेंसर मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, जैसकर मस्ट पिक प्लेयर रहेंगे, रोजमेरी मेयर खेलेगी नहीं, ए फ्लेचर, सेलमन, इनके अलावा किसी को हम ट्राई नहीं करेंगे। यहाँ से अगर आप चाहो तो एक आप काम कर सकते हो, अगर फर्स्ट इनिंग में यहाँ से देखो बॉलिंग करें ना वेस्ट इंडीज की टीम, तो भाई आप ट्राई करना अनिसा मोहम्मद को, अदरवाइज भाई आप क्या करना, सिंपल सा भाई आप यहाँ से लिया तो वो को पिक कर सकते हो। भाई बहुत ही ज़्यादा विकेट टेकिंग नेचर की मतलब जो बल्लेबाज है, इसके अलावा कभी भी हिटिंग के लिए भाई इन्हें टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अभी के लिए मैं एक क्लासिक टीम बना रहा हूँ, तो मेरी टीम कुछ इस प्रकार की रहेगी, ठीक है। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट होती है, तो वो सारी अपडेट भाई टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं सीवीसी की, तो देखो अगर आप जीएल खेल रहे हो ना, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, 1, 2, 3 और यहाँ से भाई सूजी वेट्स, ये 4 प्लेयर आपके लिए ऐसी खतरनाक प्लेयर है, ठीक है, जिनको आप अगर सीवीसी रोटेट करके जाओगे ना, इनको मतलब आप सी 4, एक मिनट रुको भाई दोबारा मार्क करता हूँ, देखो 1, 2, 3, 4 और यहाँ से भाई डेंडर रोटिनो या एमी सदरवेट, इनमें से कोई एक को आपको चूज करना, वो आपको चूज करना आप किसके साथ जा रहे हो, ठीक है, पूरा आपका मतलब डिसीजन रहेगा। तो इन 5 प्लेयर को अगर आप मतलब रोटेट कर करके सीवीसी बनाते हो, तो आपकी 20 टीम बनेगी, ठीक है। तो 20 टीम अगर आप बना के जीएल खेलोगे तो इजीली भाई आपकी जीएल में, मैं ये नहीं बोल रहा आपकी रैंक 1 आ जाएगी, ठीक है, रैंक 1 का मैं गारंटर नहीं हूं भाई, रैंक 1 के गारंटर है जो फेक प्राइम देते हैं ये और कुछ करते हैं, वो है भाई रैंक 1 के गारंटर, मैं भाई नहीं हूं, मैं भाई आपको टॉप 100 में लाके दे सकता हूं अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो, ठीक है, लिख के दे सकता हूं भाई, चाहे आप कुछ भी, मैं आप जो बोलोगे ना मैं वो करने को तैयार हूं अगर ऐसा नहीं होता है तो, ठीक है। कोई भी मतलब जो टॉप 2 प्लेयर रहेंगे ना, वो भाई इन 5ों में से ही रहने वाले हैं, ठीक है, अगेन आपको मार्क करके दिखा देता हूं, ये मतलब इन 6 में से, बट आप एक प्लेयर का रिस्क आप लेके चल सकते हो, तो ये काम आपको करना है, ठीक है। अब यहां से अगर सीवीसी की बात करें स्मॉल लीग में, तो यहां से देखो सोफी डिवाइन को लोग काफी ज्यादा कैप्टन वीसी करेंगे, तो हम एमएल कैर को करेंगे, 1 डाउन बैटिंग करेगी प्लस 10 ओवर की कंप्लीट गेंदबाजी करेगी। सोफी डिवाइन के बारे में हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि आपको मतलब कंप्लीट 10 ओवर करके देगी, ठीक है। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन आपके पास सीवीसी का, वो कौन है, वो भाई यहां से है हेली मैथ्यूज, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है और बहुत ही सेफ है, मतलब 2 डाउन बैटिंग करेंगे और 10 ओवर कंप्लीट गेंदबाजी करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर, मतलब एज ए सीवीसी मस्ट पिक आपके लिए होने वाले, ठीक है, आप इसके ऊपर रिस्क लेके जा सकते हो। अभी के लिए मैं बिल्कुल सेफेस्ट साइड पकड़ के चल रहा हूं, तो मैं इन दोनों को सीवीसी बना रहा हूं। बाकी फाइनल टीम की फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ, कोई डाउट हो वो कमेंट करके बताओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जो मैंने आपको बताई है, एप्लीकेशन के साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज भाई बहुत कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। तो चलिए बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे मॉर्निंग में 6 बजे, मैच है 6:30 पर, 6 बजे आपसे मिलता हूं, ठीक है, 6 बजे टॉस होगा और उसी टाइम पर भाई आपसे मिलते हैं, बातचीत करेंगे मैच के बारे में, क्या कुछ हमारी फाइनल टीम रहेगी, टेलीग्राम चैनल इसीलिए बनाया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलता हूं आपसे ब्रेक के बाद।